सुधीर चौधरी कहां हैं, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, क्या किसी दबाव में आकर दिया, और उनका इस्तीफा देने के बाद अब जो नई पीढ़ी के टीवी पत्रकार हैं उनके लिए क्या संदेश है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक बड़ा मोहरा इधर से उधर जाता है तो क्या होता है। देखिए, सुधीर चौधरी की जहां तक अगर हम बात कर लें, पिछले 10 साल से तो वो डीएनए को होस्ट कर ही रहे थे और जी न्यूज में एक लंबी पारी उन्होंने खेली, लेकिन बहुत जल्द उनके जाने का ये डिसीजन हुआ और जाने के डिसीजन में खास बात ये रही कि नोटिस पीरियड तक का जिक्र नहीं था, यानी कुछ आनन फानन में इस्तीफा लिया या दिया गया। लेकिन एक बात है जो नई पीढ़ी के पत्रकारों को अब समझनी होगी, और वो बात ये है कि वो जमाने जा चुके हैं जब आप अपने टैलेंट को दिखाने के लिए किसी न्यूज चैनल, किसी न्यूज संस्थान या अखबार या वेबसाइट के भरोसे रहा करते थे। आज सोशल मीडिया का ये जो मैदान खुल गया है, इसने सबको एक नई राह दिखा दी है, और शायद ये जो सुधीर चौधरी का इस्तीफा है, ये नई पीढ़ी के पत्रकारों के लिए भी एक तरह का संदेश है। बहुत कम लोग होते हैं जो सुधीर चौधरी की तरह बहुत लंबी पारी एक बड़े लेवल पर आने के बाद खेल पाते हैं। जैसा कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट से वीडियो किया था सुधीर चौधरी ने, तो वैसे भी आप जब शीर्ष पे पहुंच जाते हैं तो जगह कम होती है, अकेलापन ज्यादा होता है। लेकिन खुशकिस्मत है वो लोग जो इस वक्त 4, 5, 6, 7 साल का एक्सपीरियंस ले चुके हैं मीडिया में, यानी उन्हें ये तो अंदाजा हो गया है कि टीवी चैनल, न्यूज चैनल कैसे काम करता है। अब जरूरत है तो सिर्फ इस बात की कि वो अपने अंदर वो दमखम देखें और अपनी प्रतिभा को अपने बल पर दिखाएं। बहुत खुशकिस्मत है अभी की पीढ़ी जो ऐसा कर सकती है। ऑल क्रेडिट गोज टू YouTube जैसे प्लेटफॉर्म या फिर Facebook जैसे प्लेटफॉर्म। मैं भी एक लंबे समय तक जर्नलिस्ट रहा हूं, लेकिन उस वक्त किसी टीवी जर्नलिस्ट की इतनी हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि अगर एक चैनल से नौकरी छोड़ दी तो दूसरी जगह नौकरी करने की जगह अपना स्वयं का कुछ शुरू किया जा सके। ये सब हाल ही का ट्रेंड है। हम चाहें अजीत अंजुम की बात कर लें, अभिसार शर्मा की बात कर लें, पुण्य प्रसून वाजपेयी की बात कर लें, सभी लोग एक लंबी पारी टीवी न्यूज चैनल्स में खेल कर निकले और उसके बाद उन्होंने अपना नया काम सोशल मीडिया पर शुरू किया। इसमें एक अपवाद हो सकते हैं अर्नब गोस्वामी, जो एनडीटीवी से निकलकर टाइम्स नाउ में आए और टाइम्स नाउ से निकलकर उन्होंने रिपब्लिक और फिर रिपब्लिक भारत बनाया। लेकिन अभिसार शर्मा हैं, अजीत अंजुम हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, और भी तमाम ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो पहले न्यूज चैनल्स में काम करते थे और अब अपना खुद का चैनल चला रहे हैं। देखिए, जितने भी हमारे न्यूज चैनल से जुड़े लोग हैं जो 4-5 साल का भी अनुभव ले चुके हैं, बिल्कुल जो जिनको 1-2 साल का होता है उनकी तो बात नहीं की जा सकती क्योंकि वो तो अभी सीख रहे हैं, लेकिन 5 साल एक ऐसा समय होता है कि 5 साल से ज्यादा अगर आपने काम कर लिया है तो आपको काम करने का तरीका और काम करने के तरीकों के बारे में अच्छे से पता लग जाता है। ऐसे में अगर आप इस तरह का डिसीजन लेते हैं कि हाँ, अब मैं किसी न्यूज संस्थान से इस्तीफा देकर अपनी ब्रांड बिल्डिंग में लगूंगा, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा और एक अच्छा कदम हो सकता है। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, हालांकि इस डिसीजन को लेने में मुझे भी 20 साल का समय लगा, इसलिए मैं 5 साल से शुरू हो रहा हूं, क्योंकि तब का सिनेरियो अलग था। जब मुझे 5 साल का अनुभव हुआ था तब 2005 या 2006 का दौर था, उस वक्त तो ये सब कोई सोशल मीडिया इतना पॉपुलर नहीं था। सोशल मीडिया ने जगह बनानी शुरू की है एक तरह से कह सकते हैं 2015 के बाद से, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो सुधीर चौधरी को फॉलो करते रहे हैं या उनके न्यूज़ प्रेजेंटेशन के स्टाइल को फॉलो करते रहे हैं, या खुद भी करियर बनाना चाहते हैं या खुद भी टीवी न्यूज़ पत्रकारिता में आना चाहते हैं, टीवी न्यूज़ पत्रकारिता से ज़्यादा मैं कहूँगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ में आना चाहते हैं, तो ये एक बहुत सही संदेश आप लोगों के लिए भी है कि अगर आप किसी संस्थान में सीईओ या न्यूज चैनल के हेड भी क्यों ना बन जाएं, उसके बाद भी आपको नौकरी छोड़नी पड़ती है, तो जो नौकरी छोड़नी है उसको पहले ही क्यों ना छोड़ दिया जाए और क्यों ना पहले ही अपने ब्रांड बिल्डिंग के लिए काम किया जाए। एक हद तक मदद करता है किसी न्यूज चैनल में काम करना, आपकी ब्रांड बिल्डिंग बनती है, ब्रांड बिल्डिंग से ज्यादा आपकी एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, आपको अंदाजा हो जाता है कि क्या क्या प्लस माइनस आपके अंदर हैं, क्या आप मैनेज कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। लेकिन एक बहुत बड़ी एक मैसेज छिपी हुई है सुधीर चौधरी के इस रेजिग्नेशन में कि आप किसी न्यूज चैनल को हेड ही क्यों ना करने लगो, लेकिन एक दिन वो आता है जब आप वहां से भी बाहर जाते हो,
और उसके बाद फिर आप किसके लिए काम करते हो, आप अपने लिए काम करते हो। तो उम्र के उस दौर में आकर ये डिसीजन लेना, जबकि आप एक सर्टन एज को क्रॉस कर चुके हैं, उससे कहीं बेहतर है कि ये डिसीजन आप कम उम्र में लें, और कम उम्र में लेकर आप अपने अपनी वक्त को अपने लिए ज्यादा इस्तेमाल करें। देखिए, बहुत अनुभव से आ रही है ये सलाह, इसमें मेरा अपना अनुभव भी शामिल है, और आप कह सकते हैं कि आपने खुद 20 साल नौकरी की है, मैंने खुद 20 साल नौकरी की, और उसके बाद मैंने कोशिश की कि हाँ, अब मैं अपना कुछ कर सकता हूँ। लेकिन बहुत से यंगस्टर्स हैं, खासकर वो लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, या जो अभी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हैं, या उतने नहीं फंसे हैं, या जिनके पास इतने ईएमआई का बोझ नहीं है, वो एक हद तक 2 या 3 साल खुद को दे सकते हैं। 2 या 3 साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार आपको अपना ब्रांड स्टैब्लिश करने में वक्त लगता है। कम से कम 6 महीना तो निश्चित रूप से लगने वाला है। 6 महीना तो मतलब आप कितनी भी तैयारी से उतरेंगे तो आपको 6 महीना लगेगा, लेकिन आप उसे 1.5 से 2 साल मांग सकते हैं। अभी कल ही की बात है, मैंने अपने एक पुराने सहयोगी को फोन किया, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं नई नौकरी की तलाश में हूं। मैंने कहा भाई कब तक नौकरियां तलाशोगे? तुमको भी मेरे बराबर का अनुभव हो गया, अपना स्वयं का क्यों नहीं शुरू करते हो? क्योंकि आप अगर नौकरी करने भी जाएंगे, आप न्यूज़ जर्नलिस्ट हैं, चाहे आप प्रोड्यूसर रहे हो, प्रोग्राम प्रोड्यूसर हो, या रिपोर्टर हो, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हो, एडिटर हो, दुनिया भर के डेजिग्नेशंस होते हैं आजकल न्यूज़ चैनल्स में, मेरे टाइम में भी होते थे, लेकिन अल्टीमेटली जब आप न्यूज़ हेड भी बन जाते हैं, न्यूज़ चैनल के हेड, तब भी आपको एक नई राह तलाशनी होती है। तो मैं ये चाहता हूं कि सुधीर चौधरी का ये जो डिसीजन है, ये नई उम्र के लोगों के लिए एक ऐसा मैसेज बनकर उभरे, एक नई राह उन्होंने जो दिखाई है उसमें आप आगे बढ़ें, कि अब ये फील्ड ऐसा नहीं रह गया कि आप किसी न्यूज चैनल की तरफ मुंह उठाकर देखें कि वो आपको मौका देंगे तब आपको मौका मिलेगा। अगर आपको लगता है आपके अंदर प्रतिभा है, टैलेंट है, आप अपनी बात कह सकते हैं, लिख सकते हैं, अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो आप फिर किसी दूसरे ब्रांड के लिए काम क्यों कर रहे हैं? आप अपने स्वयं के ब्रांड के लिए काम कर सकते हैं। और आमतौर पर इस तरह की नौकरी करने वाले लोग, मैं समझता हूं 30,000 रुपए से लेकर 60-70 हज़ार रुपए तक की नौकरी कर रहे होते हैं। तो ये जो ब्रैकेट है 30,000 से 60-70 हज़ार रुपए तक का, जब आप करीब 5 साल लगभग एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो इतना इतना तो आप अगर अपने ब्रांड के लिए मेहनत करेंगे तो आप अपने ब्रांड के लिए अपना नाम बना सकते हैं, अपना काम खुद शुरू कर सकते हैं, आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, और फिर जो आत्मनिर्भर बनने वाली बात है उसको भी आप किसी स्तर तक लेकर जाएंगे। मैं बहुत जल्द चर्चा करने वाला हूं किस तरह से सरकारी नौकरियों का स्वरूप बदल रहा है, किस तरह से सरकारी नौकरियां अब कंट्रैक्चुअल लेबर में तब्दील होने वाली हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और ये एक वजह है जो मैं आपको ये वीडियो करके बता रहा हूं कि जितना भी आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं आप ही के लिए बेहतर है, सरकार पर या किसी ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड रहना कि वहां जब वैकेंसी निकलेगी और तब मैं कुछ करूंगा, निश्चित रूप से ये आपको कहीं बहुत आगे ले जाने वाली चीज नहीं है। और खासकर सुधीर चौधरी के एग्जाम्पल से अगर आपको समझना है, तो सुधीर चौधरी जैसे शख्स जिनको इतना लंबा एक्सपीरियंस था, उसके बाद भी उन्हें खुद का इस्तीफा देना पड़ा, और उन्होंने कहा कि मैं अपना खुद का कुछ शुरू करने जा रहा हूं। ये काम वो 5 साल पहले भी कर सकते थे, 8 साल पहले भी कर सकते थे, शायद 10 साल पहले भी कर सकते थे, लेकिन कहते हैं कि हम सामने वाले के जीवन से अक्सर कोई सीख लेते हैं। तो अगर आप यंगस्टर हैं और आपकी उम्र कम है अभी, तो ये डिसीजन आप अभी ले सकते हैं। कम से कम आप उतना वक्त खुद को दे पाएंगे, अपनी ब्रांड बिल्डिंग में लगा पाएंगे, आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, कुछ और अच्छे वीडियोस पढ़ सकते हैं, आप मेरे ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं जो मैं यूट्यूब पे बनाता रहता हूं। तो मेरी कोशिश है कि मैं जितने ज्यादा लोगों को आत्मनिर्भर बना पाऊं, और साथ ही न्यूज इंडस्ट्री से जुड़ी भी जो खबरें आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो आप अपने लिए एक नई लकीर खींच सकते हैं जो आप किसी दूसरे के लिए काम करते समय नहीं खींच पाएंगे।